स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट 1 x x square x square 1 x x x square 1 equals to 1 minus x cube into का होल स्क्वायर। ये हम इसको 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर के इक्वल करेंगे। पहले हम लेफ्ट राइट साइड लेंगे और लिखेंगे ऑपरेट R1 + R2 + R3 @R1। ये रो फर्स्ट है हमारी, रो फर्स्ट में 1 में ऐड किया एक्स स्क्वायर, फिर ऐड किया एक्स, फिर एक्स में ऐड किया 1, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर एंड 1। यहाँ पे हो गया 1 + x + x² 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 और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1। टेक 1 + x + x² कॉमन फ्रॉम रो फर्स्ट, देन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 1 1 एंड 1, देन एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर एंड 1। मैंने कहा था रो में जब 1 1 1 होगा तो हम लगाएंगे C1 - C2 @C1 C2 - C3 @C2। तो 1 + x + x² 1 - 1 1 - 1 and 1, देन x² - 1 1 - x x x - x² x² - 1 and 1 विच इज इक्वल्स टू 1 + x + x² 0 0 1। इसको हम लोग लिखेंगे x - 1 and x + 1। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा 1 - x and x। यहाँ से हम लोग x कॉमन निकालेंगे, क्या जाएगा 1 - x, यहाँ पे x - 1 and x + 1 then 1। अगेन टेकिंग 1 - x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 and column 2, इसमें से और इसमें से 1 + x + x² 1 - x एक तो कॉलम 1 में से हो गया और एक कॉलम 2 में से भी हो गया। यहाँ क्या था 0 0 1। देखिए यहाँ से मैंने कॉमन निकाला है 1 - x, बट दिया हुआ है x - 1, तो फिर माइनस लगा के मैं लिख लूँगा x + 1, यहाँ जाएगा x 1 x, यहाँ भी लिख लूँगा -x + 1 और 1, देन 1 + x + x² * 1 - x² होल स्क्वायर। एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ रो फर्स्ट, एक्सपेंड करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 + x + x² 1 - x² होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया x + 1 का होल स्क्वायर -1 × 1, देन 1 + x + x² 1 - x² होल स्क्वायर a² + 1 - 1। यहाँ था x और यहाँ था 1, तो 1 × यहाँ होगा x, 1 × कितना आ जाएगा x, देन 1 + x + x² 1 - x² होल स्क्वायर x² 2x में से x गया x + 1। अब ये हो गया 1 + x + x² का होल स्क्वायर और 1 - x का भी होल स्क्वायर, यानी कि 1 + x + x² * 1 - x का होल स्क्वायर।
वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, या यू कहें वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 13th, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू बी टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ध्यान से देखिए पहला ऑपरेट क्या है। पहला ऑपरेट है आर टू माइनस ए आर थ्री एट आर टू, मतलब पहली रो को मुझे नहीं छेड़ना है, पहली रो जैसे है वैसे की वैसी ही रहेगी। आएंगे हम रो टू पे, क्या लिखा है आर टू, आर टू में से आर थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आर थ्री को पहले मल्टीप्लाई करना है ए के साथ फिर माइनस किया जाएगा। तो इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसको ए से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और इसका माइनस क्या हो गया प्लस टू ए स्क्वायर। फिर इसी तरह से टू ए माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं थोड़ा इसको फेयर करके लिखता हूँ, टू ए माइनस ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड रो वैसी की वैसी रहेगी टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू बी देन जीरो ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन टू ए माइनस ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर देन टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू बी जीरो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए में से गया ए कॉमन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। कहाँ से कॉमन आया, ये कॉमन आया हमारा रो सेकंड से, जीरो वन ए टू बी माइनस टू ए एंड वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम फिर से ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे आर वन प्लस बी आर थ्री एट आर वन, मतलब वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन रहा, यहाँ आ गया वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आर थ्री को बी से करेंगे तो कितना आ जाएगा टू बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू ए बी देन माइनस टू बी प्लस बी इंटू वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन जीरो वन ए टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा, फिर से हमने टेक वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो वन, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पहले से ही हमारे पास है, एक यहाँ से कॉमन आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा वन जीरो माइनस बी देन जीरो वन ए देन टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ रो वन करेंगे, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वन से किया ये और ये छोड़ देंगे वन ए माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे जीरो
फिर आगे माइनस बी, वैसे तो प्लस होता है यहाँ पे, बट इसका अपना माइनस है, क्या आ जाएगा, 0 1 2 b माइनस 2 a, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी इंटू 0 माइनस 2 b, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2 b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कंपाइल करेंगे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 और 1 बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।